के लिए क्या करें। अब मोटापा के लिए खड़े होकर के भी हम अभ्यास बताते हैं, बैठ के उल्टे लेट करके भी, सीधे लेट करके भी। तो कम से कम हम 5-7 अभ्यास कर सकते हैं। एक तो ऐसे बैठ करके ये ऐसे किया, ये आगे पीछे, तो इससे पेट पीठ का मोटापा कम हो जाता है। 2-3-5 मिनट तक एक अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, ये दो अभ्यास ऐसे बैठ करके। एक एक अभ्यास को यदि काउंटिंग की दृष्टि से बोले तो 25 से 50-100 बार तक कर सकते हैं, और यदि इसको टाइमिंग की दृष्टि से बोले तो 5-5 मिनट कर सकते हैं। दो अभ्यास ये बैठ करके, एक अभ्यास ये उल्टे लेट करके ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे करते हैं तो कमर अच्छी होती है, और तेजी से करते हैं तो कमर पेट पीठ पूरा ही अच्छा हो जाता है, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। ऐसे 25-50-100 बार तक कर सकते हैं। तो ये जो पेट से लेकर के हथौड़ी तक, डबल चिन, पूरा गाल और पूरा शरीर, अलग अलग जो पार्ट पर वेट बढ़ता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो दो बैठ के, एक उल्टे लेट के, तीन हो गए, और ऐसे तीन सीधे लेट करके कर ले, तो 6 अभ्यास भी कर लिया आपने, और फिर सूर्य नमस्कार या कोई भी थोड़ा दूसरा अभ्यास कर लिया जो आपको पसंद है, तो 6-7 अभ्यास भी कर लेते तो उसी से। और प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो एक एक दिन में हम 0.5 किलो से 2 किलो तक वजन घटा देते हैं उनको। मेदोहरवटी, त्रिफला, गुगोलिया, गोधन अर्क, अश्वगंधा के पत्ते, खाने पानी पीने पर नियंत्रण, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये तो स्वस्थ जीवन के आधार हैं। धी धृति स्मृति हमारी ठीक रहे, प्रज्ञा पराधना हो। ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लिया, दोनों से नहीं कर सकते थे, एक एक से ऐसे कर लिया, अर्धालासन इसको कहते हैं। ऐसे और पाद वृत्तासन, पैर से बड़ा शून्य बनाया, तो थाई बटक सिर्स पर, पेट पर, शरीर पे कहीं पर भी वजन बढ़ता है तो पूरे शरीर के लिए, ये जो एक्सेस फैट है, वेट है, उसको कम करने के लिए ऐसे पूरा पैर ऐसे गोल गोल घुमाया, लंबे लंबे श्वास, नीचे ऊपर पूरा पैर घूमे ऐसे आराम आराम से या तेजी से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। तो आप कुछ दिनों तक ये अभ्यास कीजिए, और 1 महीने में आप 15 से 20 किलो तक अपना वेट कम कर सकते हैं। एक खास बात मैं कह रहा था, क्रोनिक डिजीज जिनको, उनको कोरोना का ज़्यादा खतरा है, तो जिनको कोलाइटिस, आंतों की बीमारी है, उनके लिए कुटजारिष्ट, कुटज, घनवट्टी, चित्रगादीवटी, गंगाधर, बिल्वादी, शंखपर्तक, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, कामदुधा, सूत शेखर आदि, ये औषधियाँ आपको हम एडवाइज करते हैं, और इससे आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिनका को पेट की भी पुरानी बीमारी, खास करके कोलाइटिस आदि की, क्योंकि कोलाइटिस के एलोपैथी में तो कोई इलाज ही नहीं, तो पेट से लेकर के, पेनक्रियास से लेकर के, लीवर किडनी से लेकर के, हार्ट से लेकर के, अस्थमा से लेकर के, अर्थराइटिस, सोराइसिस, किसी भी प्रकार की कोई क्रोनिक डिजीज़ है, या बार बार आपको इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स आपको लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो गिलोय तो त्रिदोष सामक है ही, वो लें और योगाभ्यास करें, आंवला, एलोवेरा जूस पिए, स्प्रीलिना लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, ये सब चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराते हैं। मीठे की जगह पर शहद लें, ऐसे बड़ा शून्य बनाए, एक एक पैर से, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं जो जवान हैं, जिनका जवानों का भी वजन बढ़ा हुआ है, वैसे कम कर सकते हैं क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। तो आपको एक प्रोग्राम दे रहे हैं कि जनता कर्फ्यू के दिन क्या करना, और यदि आपको कुछ दिनों तक अपने आप को अकेले रखना है, आपको संक्रमण से बचाना है, या आप संक्रमित हैं और अपने आप को उससे उभारना है, तो आइसोलेशन में क्या करें, तो आइसोलेशन में योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, गायत्री जप करें, स्वाध्याय करें, यज्ञ करें, भजन करें, कीर्तन करें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करें, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की पवित्रता से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। मैंने कहा कोरोना को
एक चुनौती के रूप में, एक समस्या, संकट के रूप में ना लेकर के इस थ्रेट को, इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को हम अपनी अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको बता रहा था मोटापा के लिए। तो ऐसे इसके एक राउंड हुआ है, फिर ऐसे थोड़ा आराम कर लिया, फिर दूसरा राउंड कर लिया, फिर थोड़ा शवासन में आराम कर लिया, फिर तीसरा राउंड कर लिया। ऐसे सुबह शाम दो दो तीन तीन राउंड आप कर सकते हैं इन अभ्यासों के।